हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं एक हाइट इंक्रीज सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड बहुत दिनों से फेमस है हाइट बढ़ाने के लिए। उसके रिगार्डिंग एक कमेंट आया, मतलब एक रिव्यू आया, जो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि इसको यूज़ करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, एंड लॉन्ग लुक्स का क्या ये साइड इफेक्ट है। एंड मैं अभी कहना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है एंड मैं हाइट ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा बहुत सारा ऑडियंस है जो लॉन्ग लुक्स यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे हाइट बढ़ाने के लिए, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कोई साइड इफेक्ट हो या किसी का कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को काइंडली लास्ट तक देखना। अगर आप लॉन्ग लुक्स यूज करना चाहते हैं या आप लॉन्ग लुक्स यूज कर रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड और एक चीज ऐड करना चाहता हूं, आई प्रोवाइड हाइट इंक्रीज ट्रेनिंग, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं एंड इट्स टोटली ऑनलाइन ट्रेनिंग। आप घर बैठे हाइट बढ़ाने के लिए मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। तो उसके लिए आपको कहां पे कॉन्टैक्ट करना है, मेरा मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना है। चार्जेस बहुत ही लो है, आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड इट्स टोटली पेड ट्रेनिंग। बहुत लोग फ्री ट्रेनिंग के लिए आते हैं, यार फ्री ट्रेनिंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इट्स पेड ट्रेनिंग। तो आपको इस मेल आईडी पे कांटेक्ट करना है अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं। आपको दिया जाएगा प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट प्लान अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, जिसे आपको फॉलो करना है एंड आपको वीकली ट्रैक किया जाएगा कि आप कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड ट्रेनिंग दिया जाता है थ्रू व्हाट्सएप, तो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन माई मेल आईडी फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। तो आज मैं लॉन्ग लुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड क्या हुआ, ऐसा क्या साइड इफेक्ट हो गया। तो कमेंट क्या है सुनो, माई हाइट इंक्रीज 8 inches आफ्टर यूजिंग लॉन्ग लुक्स बट माई बोन्स बिकेम वेरी वीक आफ्टर यूजिंग इट। लॉन्ग लुक्स यूज करने के बाद हाइट बढ़ेगी बट तुम्हारा बोन्स कमजोर हो जाएंगे, बट तुम्हारा बोन्स कमजोर हो जाएंगे। आपका हाइट बढ़ेगा लॉन्ग लुक्स यूज करने के बाद, बट बाद में जाके तुम्हारा बोन्स कमजोर हो जाएगा। हाइट बढ़ाने के बाद 3 times बोन फ्रैक्चर हुआ मेरा, डोंट यूज लॉन्ग लुक्स। अकॉर्डिंग टू हिज रिव्यू ही इंक्रीज्ड 8 inches हाइट, जो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर आप अपना हाइट में यार 8 inches ऐड करते हो तो आपका हाइट यहां से यहां तक आ जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया है। बट यार साइड इफेक्ट जो बोन्स फ्रैक्चर हो रहा है, बोन्स वीक हो जा रहा है, अंदर से खोखला हो जा रहा है। मुझे बहुत बार से सुनने को मिला है कि लॉन्ग लुक्स यूज करने के बाद बोन्स अंदर से खोखला हो जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है लॉन्ग लुक्स यूज करने के बाद, एंड क्या आप यूज करते हो या नहीं करते हो, काइंडली कमेंट में बताना। तो मैं अभी आपको कुछ डिटेल्ड बताने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना है अगर आप लॉन्ग लुक्स यूज करना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि लॉन्ग लुक्स के अंदर क्या है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो इट्स मेड टोटली ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड इसमें जो जो आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज किया गया है सबका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है हमारा बॉडी में। सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च लॉन्ग लुक्स क्या क्या चीजों में काम आ सकता है। 1, मसल रिकवरी, बूस्ट एनर्जी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे बहुत ज्यादा, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपका लीवर स्ट्रांग होगा। एंड ये सारे चीज हाइट बढ़ाने बहुत हेल्प करता है। जब तक ये सब ठीक नहीं रहेगा आपका हाइट कभी भी जेनेटिक पोटेंशियल तक नहीं बढ़ेगा। एंड मैं आपको एट लास्ट बताऊंगा कि भाई का बोन फ्रैक्चर 3 बार क्यों हुआ, एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई का बोन फ्रैक्चर क्यों हुआ। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कंक्लूजन कि क्यों ऐसा हुआ एंड क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो लॉन्ग लुक्स का और कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं। इसको यूज करने से आपका फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा। फिजिकल ग्रोथ मतलब क्या है, आपका हाइट बढ़ेगा एंड आपका बॉडी में यार मसल मास आएगा, मसल मास इंक्रीज करने बहुत हेल्प करेगा, आपका बियर्ड आने में बहुत हेल्प होगा, आपका बॉडी हेयर आने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है,
आपका बोन एंड मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका बोन का स्ट्रेंथ एंड मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके बाद बहुत लोगों का हाइट नहीं बढ़ता है ड्यू टू वीक मेटाबॉलिज्म, तो लॉन्ग लुक्स को यूज करने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर है दैट इज आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करेगा। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, सपोज रोटी खा रहे हैं, तो रोटी में रहता है न्यूट्रिएंट्स, अगर आपका बॉडी रोटी का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फिर रोटी खाने का मतलब क्या हुआ। एंड जो लोग ज्यादा घर में बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, यार वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है उनका हाइट नहीं बढ़ता है जेनेटिक पोटेंशियल तक, फिर बाद में जाकर रोते हैं कि मेरा जेनेटिक्स ये है वो है। यार ये सब छोड़ो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपना हाइट को बढ़ा सकते हैं, जो मैं अपना हर वीडियोस में आपको कहता हूं। एंड और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लॉन्ग लुक्स खुद कहता है, लॉन्ग लुक्स खुद कहता है कि आपको ये चीज करना पड़ेगा तभी आपको लॉन्ग लुक्स सप्लीमेंट का फायदा मिलेगा। नंबर वन, नो जंक फूड। अगर आप लॉन्ग लुक्स यूज कर रहे हैं तो आपको बाहर का जंक फूड से अवॉइड करना पड़ेगा। आप लॉन्ग लुक्स यूज कर रहे हैं एंड आपका डाइट अच्छा नहीं है, ये सब कुछ अच्छा नहीं है, आप वर्कआउट नहीं करते हो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड में क्या कहता है लॉन्ग लुक्स, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है जब आप इस सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं। अगर आप इस सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं घर बैठे हैं तो आपका बॉडी ज्यादा एजीएच रिलीज नहीं कर पाएगा, आपका बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये बूस्ट करने में हेल्प करता है, चिंगारी लगाने में हेल्प करता है, ये केरोसिन का काम करता है। लेकिन यार आपको तो मैचेस चाहिए आग जलाने के लिए, बस केरोसिन से तो आग नहीं जल सकता है। उसके बाद तीसरा चीज जो लॉन्ग लुक्स कहता है, आपको 7 घंटे का स्लीप लेना ही है मिनिमम। मतलब क्या, हाइट बढ़ाने के लिए आपको जंक फूड नहीं खाना है, अच्छा खाना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको मिनिमम 7 घंटे का स्लीप लेना है, या उससे ज्यादा लेना है तो और ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज हाइट बढ़ता है जब आप सोते हो। तो लॉन्ग लुक्स खुद कहता है, मैं क्या कहता हूं कि आप अच्छा डाइट लो, रेगुलर वर्कआउट करो, स्लीप क्वालिटी को अच्छा करो, बॉडी में हार्मोन्स लेवल को बढ़ाओ, जो आपको हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर भाई का बोन फ्रैक्चर क्यों हुआ लॉन्ग लुक्स यूज करने के बाद? हाइट तो बढ़ गया 8 इंचेस तक, बट बोन फ्रैक्चर क्यों हुआ, जो मैं आपको अभी कहना चाहता हूं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, उनका बोन डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है, बोन डेंसिटी अच्छा नहीं होता है, हड्डी उनका कमजोर रहता है, स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो घर में आपको कभी बैठे नहीं रहना है, जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करो, वो आपको हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स खेलो आप रेगुलर बेसिस पे, वेट ट्रेनिंग करो, जंपिंग एक्सरसाइजेस करो। जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो जंपिंग बहुत ज्यादा होता है, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप जंप करते हो, उससे क्या होता है आपका बोन डेंसिटी बहुत इंप्रूव होता है। जब आप रनिंग करते हो, जब आप स्प्रिंटिंग करते हो, एंड सबसे ज्यादा बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है थ्रू वेट ट्रेनिंग। जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका बोन डेंसिटी बहुत अच्छा रहता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो लोग फुटबॉलर्स रहते हैं, क्रिकेटर्स रहते हैं, वो लोग गिरते हैं कितना भयानक भयानक। अगर आप ऐसा गिरेंगे ना तो आपका हड्डी टूटने वाला है, आपका बोन्स फ्रैक्चर होने वाला है अगर आप वैसा गिरते हो। लेकिन वो गिरते हैं बट उनका बोन्स फ्रैक्चर नहीं होता है, बिकॉज यार वो बचपन से स्पोर्ट्स में शामिल है, एंड स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए जो जो साइड में एक्सरसाइजेस करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ जंपिंग एक्सरसाइजेस वो लोग करते हैं साइड बेसिस पे, तो क्या होता है उनका बोन डेंसिटी बहुत अच्छा होता है। एंड जिनका बोन डेंसिटी अच्छा होगा उनका हड्डी इजिली कभी भी फ्रैक्चर नहीं होगा, इजिली कभी फ्रैक्चर नहीं होगा। देखो एक बार आध बार किसी का भी बोन फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी 3-3 बार होना ये सोचने वाली बात है। तो दूसरा बड़ा रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ कैल्शियम एंड वाइटामिन डी। जो लोग रेगुलर बेसिस पे वाइटामिन डी नहीं लेते हैं फ्रॉम सनलाइट, उनका बोन्स वीक होना ही है। जिनका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा उनका बोन्स वीक रहेगा। एंड सबसे बेस्ट क्या है, सनलाइट। एंड आपको कैल्शियम रिच फूड्स खाना है अगर आप अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, बोन्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आपको कैल्शियम रिच फूड्स खाना है,
आपको एनफ विटामिन डी लेना है, आपको और भी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल जिंक, फिर आपका मैग्नीशियम। एंड देखो, अगर बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट का ना अभाव हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, तो क्या होगा, पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। बिकॉज हर एक न्यूट्रिएंट एक दूसरे से लिंक्ड है, हर एक न्यूट्रिएंट एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक नहीं रहे तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो आप इस चीज को समझो, अगर आपका बॉडी में कैल्शियम का मात्रा अच्छा है लेकिन वाइटामिन डी नहीं है प्रॉपर, जिंक नहीं है, जिंक का डिफिशियंसी है, फिर आपका मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है, सोडियम का डिफिशियंसी है, तो हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, एक साइकिल है, एक भी चीज मिसिंग होगा बाकी सब गड़बड़ा जाएगा। तो भाई का इसीलिए बोन फ्रैक्चर हुआ है, बिकॉज तीन टाइम इतना जल्दी होना कोई इजी चीज नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना यार, अभी अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर, बिकॉज आपको और हाइट रिलेटेड वीडियोस मिलने वाला है। तो मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ, एंड प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।